प्यारे छात्रों, परीक्षा की तैयारी से संबंधित इस तीसरी कड़ी में हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में देखते हैं। तो प्रारंभ करते हैं इस सीरीज को, इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या एक, विश्वविद्यालय की माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान को एक विषय के रूप में स्थान दिया गया। ए, सन 1854 में। बी, सन 1862 में। सी, सन 1945 में। और डी, सन 1918 में। इसका सही उत्तर होगा बी, सन 1862 में। प्रश्न संख्या दो, संप्रत्यय विचार का एक महत्वपूर्ण है, यह कथन किसका है? ए, वुडवर्थ का। बी, हेमर्टन का। सी, कोनाल्ट का। डी, डेम्पियर का। उत्तर ए, वुडवर्थ का। प्रश्न संख्या तीन, तारा देवी में ऑल इंडिया साइंस सेमिनार का आयोजन कब हुआ? ए, सन 1905 में। बी, सन 1917 में। सी, सन 1949 में। डी, सन 1956 में। उत्तर डी, सन 1956 में। प्रश्न संख्या चार, निम्न में से कौन सा तत्व विज्ञान का नहीं है? ए, प्रामाणिकता। बी, सत्यता। सी, सार्वभौमिकता। डी, विश्लेषण एवं सामान्यीकरण। उत्तर डी, विश्लेषण एवं सामान्यीकरण। प्रश्न संख्या पांच, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम का दृष्टिकोण है? ए, जनतांत्रिक दृष्टिकोण। बी, क्रियात्मक दृष्टिकोण। सी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अथवा डी, अनुशासन का दृष्टिकोण। उत्तर ए, जनतांत्रिक दृष्टिकोण। प्रश्न संख्या छः, निम्नलिखित में कौन सा पद संप्रत्यय निर्माण का पद नहीं है? ए, नामकरण। बी, तुलना। सी, निरीक्षण। और डी, विभेदीकरण। उत्तर डी, विभेदीकरण। प्रश्न संख्या सात, निम्न में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य आधार नहीं है? ए, विद्यालय। बी, शिक्षक। सी, शिक्षार्थी। डी, पाठ्यक्रम। ए, विद्यालय। प्रश्न संख्या आठ, उच्चतर माध्यमिक स्तर के अंतर्गत कौन सी कक्षाएं आती हैं? ए, 8, 9। बी, 11 और 12। सी, 10 और 11। डी, 9 और 10। उत्तर डी, 9 और 10। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सा पद वैज्ञानिक विधि का पद है? ए, प्रामाणिकता। बी, सार्वभौमिकता। सी, तथ्यों का वर्गीकरण। डी, प्रभावीकरण। उत्तर सी, तथ्यों का वर्गीकरण। प्रश्न संख्या 10, हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं, यह कथन किसका है? ए, आइंस्टीन का। बी, WC डेम्पियर का। डी, वुडबर्न का, सी, वुडबर्न का। अथवा डी, कोनाल्ट का। उत्तर ए सही है, आइंस्टीन का। प्रश्न संख्या 11, साइंस कैन एड इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल, उपरोक्त पंक्तियां किसने लिखी? ए, साहने। बी, हिस ने। सी, डेम्पियर ने। अथवा डी, डमविल ने। उत्तर बी, हिस ने। प्रश्न संख्या 12, एक विषय को दूसरे विषय के अधीन करने के सिद्धांत को सहसंबंध के नाम से उल्लेख किया जाता है, यह कथन किसका है? ए, किलपैट्रिक का। बी, आर्मस्ट्रांग का। सी, डमविल का। अथवा डी, डेम्पियर का। उत्तर सी, डमविल का।
प्रश्न संख्या 13 सह संबंध शिक्षण बालक को उसके अनुभवों के स्तर के अनुसार शिक्षा देने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, यह कथन किसका है? ए शाह का, बी डम्विल का, सी आइंस्टीन का, डी डेम्पियर का। उत्तर ए शाह का। प्रश्न संख्या 14 निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध का प्रकार नहीं है? ए ऐकिक सहसंबंध, बी पारस्परिक सहसंबंध, डी सी गुणांक सहसंबंध और डी वस्तुनिष्ठ सहसंबंध। उत्तर डी वस्तुनिष्ठ सहसंबंध। प्रश्न संख्या 15 माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं ए 1, बी 2, सी 3 अथवा डी 4। उत्तर सी सही है, 3। प्रश्न संख्या 16 सहसंबंध मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? ए 2 प्रकार का, बी 3 प्रकार का, सी 4 प्रकार का अथवा डी 5 प्रकार का। उत्तर बी होगा, 3 प्रकार का। प्रश्न संख्या 17 जब वास्तविक पदार्थ को किसी कारणवश कक्षा में दिखाना असंभव हो तब क्या प्रयोग किया जाना चाहिए? ए चित्र, बी चार्ट, सी पदार्थ, डी प्रतिमान। उत्तर डी प्रतिमान। प्रश्न संख्या 18 उद्देश्य वह बिंदु अथवा अभिष्ट है जिसकी दिशा में कार्य किया जाता है, वह व्यवस्थित परिवर्तन है जिसे क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसके लिए हम कार्य करते हैं, यह कथन किसका है? ए बी एस ब्लूम, बी आर्मस्ट्रांग, सी एन सी ई आर टी, टी उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी एन सी ई आर टी। प्रश्न संख्या 19 निम्न में से कौन सी योग्यता विज्ञान के शिक्षक की विशिष्ट योग्यता है? ए स्वस्थ व्यक्तित्व, बी आत्मविश्वास, सी स्पष्टवादिता, डी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। उत्तर डी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। प्रश्न संख्या 20 दो पदार्थों अथवा मात्राओं में संबंध अथवा उनकी तुलना करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ए ग्राफ, बी नक्शे, सी चार्ट अथवा डी नमूने। उत्तर ए ग्राफ। प्रश्न संख्या 21 निम्नलिखित में विज्ञान शिक्षण में सहायक साधन कौन सा नहीं है? ए प्रतिमान, बी पर्यटन, सी प्रतिबिंब, डी प्रतिरूप। उत्तर सी प्रतिबिंब। प्रश्न संख्या 22 निम्न में से कौन सा उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ए व्यवहारिक उद्देश्य, बी सांस्कृतिक उद्देश्य, सी सांसारिक उद्देश्य, डी अनुशासनात्मक उद्देश्य। उत्तर सी सांसारिक उद्देश्य। प्रश्न संख्या 23 दो या दो से अधिक संपत्तियों में संबंध के कथन को क्या कहते हैं? ए सिद्धांत, बी नियम, सी विचार, डी उपर्युक्त सभी। यहाँ उत्तर ए सही होगा, सिद्धांत। प्रश्न संख्या 24 विज्ञान शिक्षण की प्रक्रिया दृष्टिकोण कितने प्रकार के होते हैं? ए 12, बी 3, सी 4 अथवा डी 6 प्रकार के। उत्तर बी सही है, 3 प्रकार के। प्रश्न संख्या 25 योजना विधि के जन्मदाता कौन है? ए हर्ड तथा किल्ले, बी आर्मस्ट्रांग, डी सी डब्ल्यू एच किलपैट्रिक और डी आइंस्टीन। यहाँ उत्तर सी सही होगा, डब्ल्यू एच किलपैट्रिक। प्रश्न संख्या 26 निम्न में से कौन सी विधि विज्ञान शिक्षण की विधि नहीं है? ए योजना विधि, बी समस्या विधि, सी मूल्यांकन विधि अथवा की डी व्याख्यान विधि। यहाँ उत्तर सी सही होगा, मूल्यांकन विधि। प्रश्न संख्या 27 निम्न में से कौन सी योग्यता विज्ञान के अध्यापक की सामान्य योग्यता है? ए अभिव्यक्ति की शक्ति, बी बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, सी वैज्ञानिक संस्कृत का ज्ञान अथवा डी प्रयोगशाला संचालन की योग्यता। उत्तर ए अभिव्यक्ति की शक्ति। प्रश्न संख्या 28 निम्न में से कौन सा विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों का प्रकार नहीं है? ए ज्ञानात्मक उद्देश्य, बी भावात्मक उद्देश्य, सी क्रियात्मक उद्देश्य अथवा डी मनोगत्यात्मक उद्देश्य। यहाँ उत्तर सी सही होगा, क्रियात्मक उद्देश्य। प्रश्न संख्या 29
निम्नलिखित में से कौन सा पद संप्रत्यय निर्माण की श्रृंखला का पद है? ए मूल्यांकन, बी प्रत्यक्षीकरण, सी प्रभावीकरण, डी प्रत्याहार। उत्तर डी सही है, प्रत्याहार। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बोध के अंतर्गत नहीं आता? ए विचार, बी अनुवाद, सी उल्लेख अथवा डी व्याख्या। यहाँ उत्तर होगा ए विचार। तो ये रहे आप लोगों के सामने 30-30 प्रश्नों की श्रृंखला में हमने ये 30-30 प्रश्न चुने थे। अगर आपको यह अच्छा लगता है, अगर आपको यह पाठ्यक्रम से संबंधित लगता है, अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लगता है तो कमेंट करिए। आगे भी हम 30 से अधिक प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।